जन सरोकार मंच टोंक के अंतर्गत कविता जब बोलती है, आज मैं अपनी कुछ कविताएं लेकर हाजिर हूँ सभी श्रोताओं को और सुनने वाले पाठकों को मेरा नमस्कार। मैं खुदेजा खान जगदलपुर छत्तीसगढ़ से। युद्ध पर मेरी कविता है। इसराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को लेकर सभी विचलित हैं। एक साहित्यकार अपनी कलम से ही विरोध दर्ज कराता है और वस्तु स्थितियों को स्पष्ट करता है। कविता का शीर्षक है शांति के लिए युद्ध। अशांति के जनक युद्ध ने ढक दिया मानवता को हिंसा के कुहासे से। अशांति के जनक युद्ध ने ढक दिया मानवता को हिंसा के कुहासे से, डाल दी असंतोष की चादर चैन की नींद सो रहे लोगों पर। घायल माओं की गोद में नौनिहालों के करुण क्रंदन से नहीं पिघला क्रूर शासक का हृदय। घायल माओं की गोद में नौनिहालों के करुण क्रंदन से नहीं पिघला क्रूर शासक का हृदय। अपाहिज विवशता के कटे हुए हाथों से मदद की गुहार लगाते असंख्य नागरिक देखते रहे जीवन को मृत्यु में बदलते हुए। साम्राज्यवाद की कुटिल करतूतों को झेलती अभिशप्त देश की जनता। साम्राज्यवाद की कुटिल करतूतों को झेलती अभिशप्त देश की जनता गवाह है प्रतिदिन जानलेवा हमलों की। शांति के लिए युद्ध को अंतिम पंक्तियां कि शांति के लिए युद्ध को अनिवार्य कहना दरअसल अपने आप में एक विरुद्धार्थी शब्द है। शांति के लिए युद्ध को अनिवार्य कहना दरअसल अपने आप में एक विरुद्धार्थी शब्द है। दूसरी कविता है अभिमान। छाया और प्रकाश का जारी रहता है खेल। छाया और प्रकाश का जारी रहता है खेल। आशंका की छाया मंडराती अपना विस्तार पाने के लिए। आशंका की छाया मंडराती अपना विस्तार पाने के लिए। कल्पना का प्रकाश फैलता आकांक्षाओं को रास्ता दिखाने। कल्पना का प्रकाश फैलता आकांक्षाओं को रास्ता दिखाने। चतुर्दिक रंगों सी इच्छाएं। चतुर्दिक रंगों सी इच्छाएं ढूंढती है कोई पगडंडी जिस पर चलकर पहुंचा जा सके लक्ष्य तक। जिस पर चलकर पहुंचा जा सके लक्ष्य तक जहां केवल जीवन का वैभव हो। जहां केवल जीवन का वैभव हो। अकस्मात प्रकाश में अस्तित्व दिखा भी तो मात्र छाया बनकर। अकस्मात प्रकाश में अस्तित्व दिखा भी तो मात्र छाया बनकर। मनुष्य ठगा सा देखता है अपने अभिमान को। मनुष्य ठगा सा देखता है अपने अभिमान को। उसकी छाया जितनी बड़ी थी उतनी बड़ी काया नहीं। उसकी छाया जितनी बड़ी थी उतनी बड़ी काया नहीं। अगली कविता का शीर्षक है जीवन लीला। समानुपातिक भाव से आयु चलती आगे भी पीछे भी। आगे घटाती जाती जीवन पीछे बढ़ाती जाती मृत्यु। समानुपातिक भाव से आयु चलती आगे भी पीछे भी। आगे बढ़ाती जाती जीवन पीछे बढ़ाती जाती मृत्यु। वर्तमान की हरियाली
बिखेरती है आभा, अतीत की परछाई डालती है पीला घेरा। हरित और पीत के बीच उम्मीद का फूल खिलकर सपनों को मरने नहीं देता। हरित और पीत के बीच उम्मीद का फूल खिलकर सपनों को मरने नहीं देता। समय एक टुक साक्षी बन देखता है जीवन की लीला। समय एक टुक साक्षी बन देखता है जीवन लीला। मेरे बाद कविता का शीर्षक है मेरे बाद। उन्होंने नजर भरकर अपनी उम्र भर की मेहनत, लगन और प्रतिभा को शेल्फ में सजे पुरस्कार और स्मृति चिन्हों में देखा। आंखों में एक चमक कौंधी, फिर मध्यम पड़ गई। आंखों में एक चमक कौंधी, फिर मध्यम पड़ गई। विचार मग्न हो सोचा, जीवन का एक बड़ा हिस्सा इनके नाम कर दिया खर्च। जीवन का एक बड़ा हिस्सा इनके नाम कर दिया खर्च। मेरे बाद किसे होगा इनसे मोह, मेरे बाद किसे होगा इनसे मोह। सजावट के सिवा उपयोग भी क्या, हटा दिए जाएंगे अपनी जगह से मेरे देह त्यागते ही। इससे आगे सोचने की चेष्टा किए बिना वे कमरे से बाहर निकल गए। इससे आगे सोचने की चेष्टा किए बिना वे कमरे से बाहर निकल गए। इस कविता का शीर्षक है श्रमशील। कोयले की तरह धधकता हूँ, अग्नि में बदल कर बन जाता हूँ अखंड ऊर्जा का स्रोत। जब करता हूँ कारखाने में जी तोड़ श्रम। ईंधन बनकर जलते जलते अंत समय में हो जाता हूँ राख। पदार्थ वही रहता हूँ, बस बदलता है गुण धर्म। जो हीरे की तरह बन जाते हैं हो जाते हैं मूल्यवान। मैं श्रमशील हर स्थिति में रूपांतरित होकर बना रहता हूँ उपयोगी। मैं श्रमशील हर स्थिति में रूपांतरित होकर बना रहता हूँ श्रमशील। अंतिम कविता है मैली हो गई चादर। मैली हो गई चादर, शिशु रूप में पैदा हुआ मनुष्य निश्चल और अभूत सफेद चादर की तरह। शिशु रूप में पैदा हुआ मनुष्य निश्चल और अबोध सफेद चादर की तरह जीवन यात्रा में मैली होती गई चादर। संघर्ष की मिट्टी में सनी नफरत के दाग लगे, ग्लानी के धब्बों से दागदार हुई। किसी ने रंजिश में रक्त रंजित किया, कोई धोखे का रंग डालकर कर गया बदरंग। कोई दुखों की चादर ओढ़े घूमता रहा जीवन भर। कट्टरपंथियों ने धर्म की चादर को बना लिया ओढ़ना बिछौना। अंततः मैली होने से बच ना सकी मनुष्यता की चादर। धन्यवाद।